गुड मॉर्निंग साथियों, आज हम आपको लेड रिसाइकल में पोल्यूशन का सबसे पहला यूनिट डीसी डस्ट कलेक्टर के बारे में बता रहे हैं। अब सबसे पहले अब चेंबर रूपी डस्ट कलेक्टर आकार देख लेते हैं। जैसे आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ, ये अपना ब्लास्ट फर्नेस है। आप इसमें ये देखो, ये विंडो है, विंडो से 2 फिट, ये 4 फिट का विंडो है, यह 4 फिट ही ऊपर सीधा जाएगा। अब कई कई क्या करते हैं कि ये विंडो के जस्ट ऊपर से ये से टेपर बना देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो धुआं है वो विंडो से वापस बाहर निकलेगा ज़्यादा, क्योंकि आपको इनकी वेलोसिटी का मालूम है, गैसेज का कि गैसेज है वो ऊपर से नीचे आते नहीं आते, गैसेज हमेशा नीचे से ऊपर जाती है। वो वाटर लेवल तरल का फ्लो ऊपर से नीचे जाता है, तरल का फ्लो ऊपर से नीचे आता है। अब इसमें ये यहाँ से सक्शन गया, यहाँ ये चेंबर बनाया हमने, ये चेंबर है ब्रिक लाइन का है ये, और इसमें क्या है 3 पार्ट किए हैं चेंबर के। फर्स्ट पार्ट में डक्ट लाइन डाउन साइड में दिया है, ऊपर यहाँ पर ऊपर बीम के बीच में खाली है, यहाँ से सेक्शन जाएगा और यहाँ से फिर नीचे से बीम, तो बीम के नीचे खाली है, ये बीम दिया हुआ है, इसके नीचे ये खाली है, यहाँ से सक्शन जाएगा और यहाँ से फिर ऊपर डक्ट लाइन यहाँ देंगे, यहाँ से फिर कूलिंग टावर में जाएगा। तो इससे अपना इसमें जो भी है हेवी डस्ट पार्टिकल है वो सेट हो जाएंगे। तो ये तो हुआ चेंबर रूपी। अब ये चेंबर अब साइज के अनुसार अपने सक्शन के अनुसार ले सकते हैं, डबल भट्टी है, सिंगल है, तो इसको 4x10, 4x12, ये चेंबर एक एक चेंबर तीनों में बड़ा 18 फिट लेंथ लेके और 12 फिट चौड़ाई लेके पूरा उसमें 3 पार्टीशन कर देंगे। ये तो हुआ चेंबर का। और बाहर से अपन इसको MS से भी कवर कर सकते हैं, और नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है वो MS का राउंड चेंबर, जो रोटरी फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस दोनों में काम आता है। तो राउंड चेंबर है ये, देखा ये चेंबर है अपना, इसमें ब्रिक लाइन है अंदर की साइड में लगाई हुई है और रोटरी का सेक्शन इसमें ये सीधा दिया होता है, ये डक्ट लाइन यहाँ पे आती है, यहाँ से जो सेक्शन के गैसेस धुआँ ये सब यहाँ पर ये बफर प्लेट डाउन होती हुई, ये बफर प्लेट लगती है जो SS का होना चाहिए, SS क्योंकि यहाँ पर हायर टेम्परेचर होता है, तो कभी कभी कंटिन्यूस टेम्परेचर में MS सीट मुड़ जाती है और जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको SS का सीट होना है। और अब ये यहाँ से टकराते हुए ये ऊपर सेक्शन से होते हुए ये वहाँ से कूलिंग टावर में चले जाएगी। तो ये इसका हाइट है वो 20
ये करीबन 20 फीट हाइट, 6 मीटर। इसका डाया है 2.5 मीटर। तो ये डाया ब्लास्ट फर्नेस में 2 मीटर भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हीट रोटरी फर्नेस के बजाय कम होता है, इसीलिए ये जस्ट कलेक्टर है। इसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स डस्ट, यानी कि लेड के अलावा जो कार्बन के मोटे ग्रेन्यूल्स है वो सब इसी में रहते हैं। लेड इसमें बहुत कम रहता है, क्योंकि लेड बहुत सूक्ष्म माइक्रोन्स के रूप में होता है, तो वो सक्शन के थ्रू आगे निकल जाता है। यहाँ पर खाली डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। लेड 15% टू 20% के लगभग इसमें लेड रहता है, बहुत कम मात्रा में डीसी में। अब आशा करता हूँ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लगातार रिसीव करने के लिए बेल बजाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।